एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वेतन अपडेट और आवंटन से संबंधित सूचना, क्योंकि कुछ तकनीकी के कारण कुछ जिलों में आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि बक्सर जिला में एक ही माह का आवंटन प्राप्त हुआ है। देखेंगे वीडियो को विस्तार से। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित वेतन अपडेट और आवंटन से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहारी जिला यानी पूर्वी चंपारण जिला से प्राप्त सूचना अनुसार 2 माह का आवंटन सितंबर और अक्टूबर माह का जिला को प्राप्त हो चुका है एवं राशि SBI को हस्तांतरित कर दिया गया है। भुगतान हेतु प्रक्रिया शुरू है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आई तो दोपहर बाद यानी 1 से 2 घंटे बाद 2 माह का वेतन सभी शिक्षकों को मिल जाएगा। वहीं आइए देख लेते हैं भागलपुर जिला से। DOB मध्य में अक्टूबर माह का वेतन बिल क्रमशः कहलगांव नगर पंचायत, नवगछिया नगर परिषद, सुल्तानगंज एवं नगर निगम भागलपुर का वेतन संचिका पदाधिकारी द्वारा कोषागार भागलपुर को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज ही प्रयास रहेगा सहायक कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध कर बिल पास कराने की उम्मीद है। अगर देर शाम तक पास हो गया तो शनिवार को 10 से 12 बजे तक शिक्षकों के खाते में राशि चला जाएगा DA भुगतान के साथ। वहीं SSA मध्य से प्राप्त सूचना अनुसार आवंटन PFMS सिस्टम से नहीं भेजा गया है बल्कि GOV फंड में राशि SBI बराबरी शाखा में प्राप्त हुआ है, इसलिए उक्त मद में सितंबर और अक्टूबर माह का वेतन भुगतान चेक की प्रक्रिया से SSA अपना स्थापना के खाते पर भेजी जाएगी। इधर चेक एवं कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन बरारी बैंक शुक्रवार को बंद रहता है और शनिवार को कम समय रहेगा और उसके बाद सोमवार से भुगतान प्रक्रिया चालू होने की प्रबल संभावना है। वहीं इधर देखें तो आपको रविवार को 7 तारीख को बैंक बंद रहेगा और 8 और 9 तारीख 2 दिन बैंक खुला रहेगा। इस बीच में जिस जिला को वेतन विपत्र चला गया होगा और आवंटन PFMS से प्राप्त हुआ होगा तो उनका वेतन भुगतान हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि SSA मद में राशि नहीं रहने के कारण PFMS के माध्यम से राशि नहीं आया है। अधिकांशतः जिला में GOV मद से राशि आया है तो पुराने प्रक्रिया के तहत वेतन भुगतान होगा तो इसलिए विलंब हो सकता है। किसी किसी जिला में छठ पर्व पर वेतन भुगतान नहीं भी हो सकता है क्योंकि GOV मद से पुराने सिस्टम से वेतन भुगतान होने वाला है, लेकिन जिस जिला में PFMS SS मद से राशि प्राप्त होगा तो उसका भुगतान हो जाएगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।